मेरी फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, ये आप में से कई लोगों का सवाल रहता है, और मैं चाहता हूँ आप लोग नीचे कमेंट में गैस करके बताओ कि कौन सी मेरी फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या वो पाइथन है, क्या वो जावास्क्रिप्ट है, क्या वो सी है, क्या वो सी प्लस प्लस है, क्या वो जावा है, क्या वो एचटीएमएल है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग नीचे कमेंट में गैस करके मुझे बताओ, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो यार, कॉलेज टाइम में मैं पाइथन का एक बहुत बड़ा फ़ैन था, और मैं अभी हूँ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पाइथन जो है वो बेकार हो गई है, बट मैं पाइथन का इतना बड़ा फ़ैन था कि मुझे कोई दूसरी लैंग्वेज दिखती नहीं थी पाइथन के आगे, और वो मेरी नो डाउट फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। उसका रीज़न ये था कि पाइथन एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पर मैंने प्रोग्रामिंग को करके कुछ अच्छी चीज़ें, यूज़फुल चीज़ें बनाना सीखी। ठीक है, मैंने सी सी प्लस प्लस सीख लगी थी, लेकिन मुझे सब कुछ थ्योरेटिकल सा लगता था। लेकिन पाइथन में मैं जैसे ही आया, मैंने वेब स्क्रैपिंग सीखी, मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें सीखी, वेबसाइट बनाना सीखी। तो वहाँ पर जब मैं उस जोन में घुसा, मैंने एक फ्लास्क में अपनी एप्लीकेशन बनाकर एक क्लाइंट के लिए डिप्लॉय करी, मुझे ऐसा लगा कि यार प्रोग्रामिंग एक्चुअल में एक बहुत यूज़फुल थिंग है। मेरे लाइफ का एक वो पॉइंट था जहाँ पर मुझे ये बात रियलाइज़ हो रही थी। मुझे याद है कि मुझे एक क्लाइंट पे मिला था अपवर्क पर, जिसको मैं पढ़ाता था और मुझे बहुत अच्छे पैसे मिलते थे। ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट था वो, और उनको मैं पढ़ाता था, आज भी मैं उनके साथ टच में हूँ, बहुत अच्छा हमारा बॉन्ड है, और काफ़ी चीज़ें मुझे वो भी सिखाते हैं और मैं भी उन्हें सिखाता हूँ। और तब मुझे वो मिले थे, तो अपवर्क ने मुझे एक ऐसे बंदे से मिलवाया जिसने मेरी लाइफ में मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी, और मुझे एक बहुत अच्छा वर्चुअल दोस्त भी मिला। तो शायद ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि मुझे पाइथन आती थी और मैं पाइथन को जो है बहुत ज़्यादा माना करता था। स्कूल टाइम की अगर मैं बात करूँ तो सी सी प्लस मेरी फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ करती थी। उसका रीज़न ये था कि मैं प्रोग्रामिंग से जस्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, और जब मैंने देखा कि यार सी सी प्लस में इतनी सारी चीज़ें कर सकते हैं, मुझे याद है मैंने अपनी स्कूल टीचर से पूछा था कि यार ये हम हेलो वर्ल्ड प्रोग्रामिंग से क्यों प्रिंट कर रहे हैं, हम लोग तो यार काम ऐसे भी कर सकते हैं, यार पेपर पे लिख लो हेलो वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या नोटपैड में लिख के आप सिंपली प्रिंट कर लो, प्रोग्राम क्यों लिख रहे हैं हेलो वर्ड प्रिंट करने का। तो उन्होंने मुझे बताया, यार देखो प्रोग्रामिंग इसलिए की जाती है क्योंकि हम ऑटोमेट करना चाहेंगे फ्यूचर में चीज़ों को। तो उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन दिया था, उन्होंने कहा था कि यार 1 से 10 तक लिखो और पेपर पर प्रिंट लो। मैंने फिजिकल पेपर पर प्रिंट लिया था, मुझे आज भी याद है। और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि 1 से 100 तक अब लिखो, अब 1 से 1000 तक लिखो। तो मैंने बोला यार नोटपैड में मैं 1 से 1000 तक कैसे लिखूंगा, और उन्होंने मेरा जवाब जो है मुझे दे दिया मेरे सवाल का, और मुझे अच्छे से समझ में आ गया कि यार प्रोग्रामिंग का क्यों इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग प्रोग्रामिंग से वो बोरिंग टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं जो कि शायद हम मैनुअली नहीं करना चाहेंगे, अपने लिमिटेड टाइम में नहीं करना चाहेंगे। बट नाउ मेरी फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, और उसका रीज़न ये है कि मैं जामस्टैक को यूज़ करते करते उससे इतना ज़्यादा प्यार में पड़ गया हूँ कि यार मुझे चीज़ें इतनी स्मूथ लगती हैं जब मैं वेबसाइट बनाता हूँ जावास्क्रिप्ट की सहायता से। नेक्स्ट जेएस, रिएक्ट, ये सारी टेक्नोलॉजीज़ जब से यूज़ करना स्टार्ट करी है तब से मुझे इतनी आसानी हुई है ना ये सब काम करने में, जो कि कॉम्प्लेक्स टास्क हुआ करते थे, अच्छी अच्छी बढ़िया यूआई वाली वेबसाइट्स को आप लोग बना सकते हो, चीज़ें इतनी आसान हो गई हैं जिसके लिए शायद 50 लाइन ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड लिखना पड़ता था, आज वो रिएक्ट में या फिर नेक्स्ट जेएस में आप लोग अगर उसको लिखना चाहो तो बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके उसके आ गए हैं करने के। अगर मुझे बढ़िया लगता है कितना क्लीन ये है, आई जस्ट लव हाउ बटरली इट इज़, एकदम मक्खन की तरह एक्सपीरियंस होता है। मोंगो डीबी मुझे बहुत बढ़िया लगता है, और मैं मोंगोस का इस्तेमाल जब करता हूँ अपने डेटाबेस के साथ और एसिंक्रोनस फंक्शंस का इस्तेमाल करता हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लगता है। जिसको चाहूँ मैं ब्लॉकिंग बना सकता हूँ, जिसको चाहूँ मैं जो है एकदम एसिंक्रोनस बना सकता हूँ। तो चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं, और एक बार आप समझ लेते हैं ना जावास्क्रिप्ट की प्रॉमिस, एसिंक का वेट, और भी बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं जैसे कि हायर ऑर्डर एरे मेथड्स हैं, तो ये सब चीज़ें जब आप समझ लेते हैं ना तो चीज़ें इतनी इजी हो जाती है ना आप लोगों के लिए कि आप लोग भी इनसे प्यार में पड़ जाते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप लोग जावास्क्रिप्ट की सहायता से बड़े आराम से कुछ भी बिल्ड कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया पार्ट पता है क्या जावास्क्रिप्ट का, कि आपको एक ही लैंग्वेज में रहना पड़ता है फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों के लिए। आपको फ्रंट एंड के लिए अलग, बैक एंड के लिए अलग लैंग्वेज नहीं चुननी पड़ेगी, आपका काम जो है सिर्फ एक लैंग्वेज से हो जाएगा। तो ये मेरा रीज़न है जावास्क्रिप्ट को एज माई फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चुनने का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सभी की फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट ही हो जाए। बहुत सारे लोगों की लाइफ में पाइथन का बड़ा रोल होता है, बहुत सारे लोग अपनी ऐसे लाइफ के पॉइंट में होंगे जिनको शायद जावा पसंद होगी, विच इज़ फाइन। और अगर कोई एंड्रॉयड डेवलपर, मुझे याद है मेरा एक दोस्त है जो कि एंड्रॉयड डेवलपर, मैंने एक इंटर्न करी थी नोएडा में अपने फर्स्ट ईयर में, वहाँ पर वो एंड्रॉयड डेवलपर थे उस स्टार्टअप के जिसमें मैंने इंटर्न करी थी, एक्चुअल में विंटर इंटर्न थी वो। तो वो मुझे बताते थे कि यार मेरी फेवरेट लैंग्वेज जावा है, क्योंकि उस टाइम पर वो जावा इस्तेमाल करते थे और वो जावा से प्यार में पड़ गए थे। फिर मैंने उनसे बात करी थी 2019 में, तो वो मुझसे कहते थे मेरी फेवरेट लैंग्वेज कॉटलिन है। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप लोग अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। अगर आप लोग एक एंड्रॉयड डेवलपर हो, जावास्क्रिप्ट आपने कभी छुई नहीं है या फिर पाइथन आपने कभी छुई ही नहीं है, तो शायद वो आपकी फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बन सकती। तो डिपेंड्स कि यार आपकी फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। जो भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फेवरेट है वो डिपेंड करेगा
आप किस तरह से प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हैं और आप किस तरह से चीज़ों को यूज़ करते हैं, किस फील्ड में आप लोग हैं। तो यार बहुत सारे लोग सवाल पूछते थे कि कौन सी फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आज उसका भी खुलासा मैंने कर दिया। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।